सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में तुम सबका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पार्ट 12 पेज नंबर 67 विपरीतार्थक शब्द पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ पर दिए हुए चित्र में देखो, पहले चित्र के नीचे जो वाक्य लिखा हुआ है वो क्या है? सूर्य उदय हो रहा है। उसके बाद सूर्य अस्त हो रहा है। उसके नीचे है हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। उसके बाद है कार जमीन पर चल रही है। बच्चों, इन वाक्यों में मोटे शब्दों को ध्यान से देखो। इनमें उदय, अस्त, आसमान, जमीन, ये एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। ऐसे ही शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले, उल्टा अर्थ, ये हमेशा याद रखना, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अंदर बाहर, ऊपर नीचे, पूर्व पश्चिम, आगे पीछे आदि, ये सारे विपरीतार्थक शब्द है। उसके बाद हम पेज नंबर 68 में जाएंगे, जहाँ पर देखो कुछ विलोम शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों को तुम्हें अच्छे से पढ़ना है और अपने हिंदी कॉपी में सुंदर करके लिखना है। तो वो शब्द क्या है? ठंडा, गर्म, अच्छा, बुरा, मित्र, शत्रु, हल्का, भारी, सुख, दुख, सूखा, गीला, प्रश्न, उत्तर, सच्चा, झूठा, अपना, पराया, कम, ज्यादा, मीठा, कड़वा या खट्टा भी लिख सकते हैं, गंदा, साफ, दिन, रात। उसके बाद जीवन, मृत्यु, गुण, दोष, नया, पुराना, मौखिक, लिखित, अंधकार, प्रकाश, मुश्किल, आसान, हंसना, रोना, छोटा, बड़ा, सर्दी, गर्मी, अमीर, गरीब, दूर, पास, सुबह, शाम, अंधेरा, उजाला। तो बच्चों, आज हमने जाने विपरीतार्थक या विलोम शब्द किसे कहते हैं और कुछ विलोम शब्द। तो बच्चों, तुम लोगों को आज क्लास वर्क में ये जो विलोम शब्द दिए हुए हैं नंबर 1 से नंबर 26 तक, इसे अब इसे अपने हिंदी कॉपी में सुंदर करके लिखना है। धन्यवाद।